का कुछ फंडामेंटली बदल रहा है या कुछ इंक्रीमेंटल डेटा है जो फायदा दिखा रहा है, और वो हम बात करेंगे मानसी के साथ। मानसी, आप डेटा को देख रही थी, कौन से स्टॉक्स पर नजर रहेगी, बट उससे पहले डेटा बताइए। जी बिल्कुल। तो अजय, एक तो ताज़ा जो डेटा कल आया था आपके अडानी की तरफ से, यहाँ पर धारावी रीडेवलपमेंट की बात चली, और तब आपने जिक्र किया था कि सप्लाई बढ़ जाएगी मुंबई रियल एस्टेट में, पर्टिकुलरली साउथ बॉम्बे में। कल की ये बात थी, और आज ताज़ा डेटा आया है कि मुंबई में नवंबर रेवेन्यू कलेक्शन, स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन जो हैं वो 2021 के रिकॉर्ड लेवल्स जो नज़र आए थे उस तक वापस पहुंच चुके हैं, और स्ट्रांग डिमांड है डिस्पाइट इसके कि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो सालाना आधार पर 1% बढ़ी है। 1,12,000 डील्स होती हुई दिखी, और ये डेटा जो है ये 2021 के डेटा से भी ज्यादा बेहतर इस वक्त नजर आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, 15% का इजाफा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, सिर्फ और सिर्फ नवंबर के महीने में 15% के अप मूव्स दिखे हैं, और इसमें टिकट साइज जो है अजय, 1 से लेकर 2.5 करोड़ तक के घर जो हैं उनमें सबसे ज्यादा डिमांड नजर आ रही है, और इसी के चलते मुंबई बेस्ड रियल्टी काउंटर्स फोकस में रहेंगे। बॉम्बे में तो मेरे को लगता है हर घर ही 1 करोड़ का होगा, बेंचमार्किंग 1 करोड़ ही करोड़ तो अब वही एक्चुअली क्या है कि 50-60 लाख जो है मिनिमम 325 या तो लोअर परेल में रह चुके हैं 325-225 मिनिमम 50 से 60 लाख मतलब बेस है, टिकसा ही ऐसा है ना यहाँ पे, इसीलिए इंस्टीट्यूशनली प्लेयर। क्षितिज आप मत सुनना ये बातें, ये आपके लिए नहीं है, ये आपको जानना नहीं है। 325 स्क्वायर फीट का यहाँ पे 50 लाख रेट है। क्षितिज आप सुन तो नहीं रहे ना, कुछ भी घर की बैल्कनी जो है वो 325 स्क्वायर फीट की हो, सुन तो नहीं रहे ना आप हमारी बातें। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूँ। हाँ अवॉइड करना, सुनना नहीं है 325। लेकिन ये बात है कि दिल्ली में तो घरों की बैल्कनी 325 की होती है, दिल्ली में तो घर ही बड़े शानदार होते हैं। हम दिल्ली वाले से बैक होम अपने नॉर्थ में ना, हम अपने फ्लैट का साइज, दोस्त के फ्लैट का साइज डिस्कस ही नहीं करने का क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे ना हम समझा पाएंगे। इनफैक्ट अजय ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली वाले कोई अगर यहाँ आए तो उन्हें बड़ा शॉकर लगेगा, लेकिन हम अगर वहाँ चले गए कुछ दिनों के लिए तो वहाँ के घर देखकर हमें महल, मैं जब लखनऊ जाता हूँ अपने घर में 15 दिन के लिए 10 दिन के लिए तो ऐसा लगता है महल में रह रहा हूँ। एब्सोल्युटली। एनीवेज, बट स्टॉक कौन से चल रहे हैं? बिल्कुल, तो स्टॉक्स जो है मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट लिस्टेड प्लेयर्स जो है, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स, अजमेरा रियल्टी, इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। 4% की तेजी ओबरॉय रियल्टी में। नागराज, आप इस पर कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? रियल एस्टेट सेक्टर में एक्शन तो है, और ये एक्शन लगातार न्यूज फ्लो के चलते, डेटा के चलते भी दिख रहा है, मुंबई बेस्ड स्टॉक्स फोकस में है। जी हाँ, ओबेरा रियल्टी का आप जब बात जिक्र किया तो एक चार्टिकली एक अच्छा पैटर्न, एक मजबूत पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है। एक ट्रायंगल, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिखने को मिला है आज के दिन अराउंड 935-940 के आसपास, और उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है मेरे ख्याल से, कई दिन से एक लंबा कंसोलिडेशन था, एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद एक टेक्निकली एक शार्प अपमो आने के चांसेस है ये स्टॉक में, और मुझे लगता है कि जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ये स्टॉक्स में अराउंड 1020-1025 तक ये स्टॉक जा सकता है टुवर्ड्स द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ओके ठीक है, तो ओबेरॉय रियल्टी को लेकर एक बुलिश व्यू यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी हम आपको बता रहे थे जो कि अभी डेज हाई पे बकायदा चल रहा है।